अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज लगातार प्रदेश भर में पहुंचकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। कुछ समय पहले अनिल विज रोहतक पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया और जिले के सभी अधिकारियों के बीच ही जनता की समस्याएं सुनी। महम से विधायक बलराज कुंडू भी इस बैठक में शामिल थे। माइक हाथ में पकड़कर उन्होंने जिले के कप्तान पर आरोप लगा दिया और पूरे मामले से मंत्री जी के सामने उनको अवगत भी कराया। एक बच्चा है, इंडिया रैंकिंग 37 है उसकी बच्चे की, इतना ब्रिलियंट बच्चा है और वो बोटनी में पीएचडी कर रहा है एमडीयू के अंदर। इतना दुर्भाग्य है उसकी मां की उम्र की एक प्रोफेसर ने उसे पैसे मांगे और उसने रिकॉर्डिंग करके, आपको भी मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, एक मिनट जी सुन ले बात, उसकी रिकॉर्डिंग है। उस बच्चे से पैसे मांगे जो उसकी फेलोशिप मिलती है और मुझे पैसे दो, मेरे कमरे में एसी लगाओ और उस ये दुर्भाग्य उस बच्चे के खिलाफ केस दर्ज करो। यही एमडीयू का रोहतक का जी, एमडीयू हाँ जी, कहां है डांगी साहब? और ये जो है ना, ये बच्चा ब्रिलियंट बच्चा है जी, यूपीएससी में जाने का, इसको इतनी हरास एसपी साहब से मिला, कोई सोल्यूशन नहीं। इतना ब्रिलियंट बच्चा, इसके खिलाफ अगेंस्ट केस दर्ज करके ये जमानत पर चल रहा है। ये बच्चा एसपी साहब ने हमारा नहीं किया, ये जमानत पर चल रहा है जी, नहीं हमारी नहीं। और ये जो सीआरपीएफ से जो 40 आदमी सारी उम्र जिसने वहां पे कराई और आज इसके बच्चे के लिए अदालत हर जगह रिपोर्ट करा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस बच्चे की। इस बच्चे का देखिए जी, ये उस प्रोफेसर की बच्चे की उम्र का ये बच्चा है। इसके बाद विधायक ने उस लड़के को आगे बुलाया जिसके साथ गलत हो रहा है। लड़का भी अपनी बात रखता है, लेकिन इतने भर में काम नहीं चलता तो एसपी साहब माइक पकड़ लेते हैं और देखिए किस तरीके से अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने लगते हैं। ये रहा, ये बता गया बेटा, आ गया, ये जमानत पे है बच्चा, इसके खिलाफ ये लगा दिया कि मुझे फॉलो करता है मेरे साथ, वो गलत है क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग कर रखी उसकी, वो पैसे मांगे टॉकिंग और ये तीन चार, इसका कोई केस दर्ज नहीं किया गया, इसके खिलाफ केस दर्ज पहले किया हमने रिपोर्ट, जब जाती बार बैंकर इसके ऊपर आज इशू हो रही है, रिपोर्ट पहले हमने की रखी है 20 तारीख ने, उसने 21 ने करी, एसपी साहब ने करी नहीं, ये डिप्टी कमांडेंट रिटायर है, ये रिपोर्ट सारी उम्र फौज में करने के बाद ये कुछ नहीं करेंगे जी, ये कुछ नहीं करेंगे जी, पहले आपने एसपी साहब कुछ नहीं करने वाले चीज में, बोलिए रिजेक्ट कर दिया एसपी साहब, रिजेक्ट करवा दिया। मेरे खिलाफ एलिगेशन लगे तो मैं अपनी बात रखूँ, हमने FIR करी थी, इस बच्चे को हमने शामिल जांच होने के लिए बुलाया था कि आपके पास जो भी एविडेंस है, ये किसी ने नहीं सुनी है, मेरी साहब ने दे, ये सामने बच्चा ये है, ये पैरोल पे है बच्चा, ये इन्होंने अपनी च्वाइस में बेल ज्वाइन, सर आपके चेले हैं हम, आपके एक दो चीजें बड़े गंभीर है, मैंने बच्चे, मैंने जब कह दिया ना अनिल में क्यों मैं, ठीक है ना, अच्छा एक और मैं आपके ऐसे नहीं, एक मिनट साहब एक चीज और है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये लोगों हमारे पास सारे दिन आते हैं, सारे दिन लोग आते हैं, पुलिस की कंप्लेंट तो हमें एसपी साहब से कितनी बार बात कर सकता है कि एमएलए, जितने बार मर्जी चाहे, ये आपके एसपी साहब, मेरे पास रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको, मैंने इनसे बात की, दोबारा फोन भरिया तो फोन नहीं उठाया, 4-5 घंटे बाद मेरा, फिर कहते हैं आपकी मेरी तो बात होगी थी, आप पब्लिक में इम्प्रेशन देने के लिए जो है मेरे से बात करना चाहते हैं, ये मेरी रिकॉर्डिंग है, एसपी साहब की मैं रिकॉर्डिंग दूंगा। अब मंत्री जी के सामने दोनों विधायक और कप्तान आपस में बहस पड़ते हैं। मंत्री जी ऑन स्पॉट तो कोई फैसला नहीं लेते, लेकिन जनता के सामने इस तरीके से विधायक अगर जिले के कप्तान पर आरोप लगाएगा तो लोकतंत्र में जनता अपने जनप्रतिनिधियों पर किस फरियाद को लेकर जाएगी। इस खबर में बस इतना ही, खबर को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।